जो ये दोनों बाइक मतलब निकल चुका हूँ, ये अपना फीटू और ये अपना दुनिया वाला लिया था भाई। देखो ये देखो माँ का इंडिया, एक बार खिसा मार देते हैं, पता नहीं गाइस। R15 फीटू। तो गाइस क्या हुआ इस, हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हमारा ये बाइक देख लो, यहाँ पर है। और ये गाइस मैंने जो ये दोनों बाइक मतलब निकल चुका हूँ, ये अपना फीटू और ये अपना दुनिया वाला लिया था भाई, अपना बुलेट। तो सबसे गाइस ओल्ड दिस बाइक गाइस, इसके साथ ये गाइस बाइक जो है ना गाइस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मतलब पार हो चुका है ये बाइक का। अभी गाइस ये तीन बाइक का सीन देखो गाइस। तो गाइस क्या हुआ है, जो मेरा जो मतलब R15 जो V3 है, मतलब सॉरी गाइस V3 का मतलब याद आ रहा है अपने को, पता नहीं क्यों भाई, मतलब जुबान से हमेशा V3 निकल जाता है। तो भाई जो अपना ये V2 है गाइस, R15 V2। तो गाइस क्या हुआ, इस बाइक का मतलब मैंने मतलब पहले तो मतलब घर पे रखा हुआ था ये, मैंने 2000 मतलब 16 के बाद ये बाइक मैंने सालाना बंद कर दिया था भाई। तब से भाई घर पे रखा तो रखा हुआ था, फिर जो है बहुत सारे बाइक में इशू आया था, मतलब बाइक का जो इंजन का काम था। तो गाइस बाइक का मैंने इंजन का काम भी किया भाई, सब कुछ मतलब 80% मैंने बाइक का सब काम किया है भाई। मतलब ऑलमोस्ट मैं इस बाइक में जितना मैंने मतलब खर्च कर दिया है मतलब पैसा, इतने में एक गाइस सेकेंड हैंड बाइक आ जाता, मतलब R15 V3 भाई। मैंने बहुत इस पर मतलब स्पेंड किया है। तो गाइस क्या हुआ कि मैंने आपको जैसे बोला कि 80% काम इस बाइक का हो चुका है, मतलब इंजन का हो गया, फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ का हो गया, लाइट का हो गया। तो गाइस क्या है, 20% काम मतलब बाकी है भाई। अब ये 20% काम करने के लिए भाई अपने पास दो मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो मेरा पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, और गाइस दूसरा क्या है भाई, इसका जो पार्ट्स है ना गाइस वो नहीं मिल रहा है, मतलब जो मैंने मंगाया था। हमारे यहाँ पर नहीं है, मगर हमारे यहाँ से अगर आप गुवाहाटी में जाओगे तो गुवाहाटी में मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन गाइस सबसे बड़ा जो इश्यू है ना गाइस कॉस्ट का भाई, इस बाइक मतलब ये जो बाइक है ना गाइस, ये जो बाइक है गाइस, ये V2 जो है ना, ये पूरा इम्पोर्ट होता है, मतलब इम्पोर्ट होके आया था हमारे यहाँ पर, जो है असेंबली हुआ था शायद। मतलब इस बाइक का जो पार्ट्स का मतलब दाम है ना गाइस, मतलब पार्ट्स का जो प्राइस है इस बाइक का, वो R15 V3 या V4 से थोड़ा हाई है। इसी वजह से जो है भाई मैं इस बाइक को सलाह नहीं पा रहा हूँ अभी, मतलब ये चल जाएगा, मतलब आप मतलब इस बाइक को कैसे चलाना पड़ेगा आपको मैं बोल देता हूँ। मतलब ये बाइक अगर आप थक्का लगा कर चलाना पड़ेगा, फिर जो है बाइक स्टार्ट होता है। एक बार अगर आप छोटा सा मतलब एक थक्का लगाओ, फिर बाइक स्टार्ट हो जाता है, फिर आप मतलब चला सकते हो इसको। तो भाई ये कुछ था भाई इस बाइक का प्रॉब्लम। अभी गाइस इस बाइक का अगर जो मतलब 20% जो प्रॉब्लम है ना गाइस, वो अगर सॉल्व हो गया, तो गाइस ये बाइक में मतलब मैं एक एग्जॉस्ट लगाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन करेंगे ये बाइक में। तो गाइस एक बार देख लो, ये हमारा जो V2 है ना गाइस, इसका लुक जो है भाई, ये जो साइड का लुक है ना गाइस, मुझे मतलब V3 से भी ज़्यादा पसंद है भाई ये लुक जो है भाई, ये साइड का जो पैनल का जो लुक है गाइस। तो गाइस ये बाइक जो है मैंने बहुत सालों से रखा हुआ है गाइस, 2016 से मतलब 2014 से मतलब ये बाइक रखा हुआ अपने पास भाई। ये बाइक मैं सेल नहीं करूँगा भाई, कभी सेल नहीं करूँगा। अभी गाइस ये तो हो गया हमारा V2 का। तो गाइस ये रहा हमारा बुलेट 350, जो मैंने गाइस रिसेंटली लिया था अपन लोगों ने भाई। इसमें भी भाई मैं बहुत दिन से मतलब सोच रहा हूँ राइट में जाने का, लेकिन भाई क्या हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो है मेरा जो चैनल लेना है गाइस यूट्यूब में, वो मतलब डाउन चल रहा है। अगर गाइस यूट्यूब में भाई इतना चैनल डाउन होगा तो मतलब क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो क्या होता है, वीडियो बनाने का मोटिवेशन होता, थोड़ा अगर रीच आ जाता था तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाता था, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि भाई मैं पहले तो मैं दो दिन के बाद 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ब्लॉग एक ना एक तो डालता रहता था। अभी क्या हुआ है कि भाई मेरा जो इश्यू है ना, वो मतलब अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब प्रमोट नहीं हो रहा है मेरा वीडियो यूट्यूब, पता नहीं। पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, तो इसी वजह से मैं वीडियो बनाता था भाई पहले, अभी तो क्या बोल सकते हैं भाई। तो गाइस ये बाइक में भी मैं एक दो राइड करने का मतलब सोच रहा हूँ, अभी समय मिला तो इसके मतलब करेंगे। और इसका भाई तो अब स्पीड भी मैं चेक करूँगा अपनी जो है इस बाइक का मतलब बुलेट का, तो अभी तक मैंने किया नहीं हूँ भाई। इसका माइलेज भी अभी तक मेरे को पता नहीं, वो सब भी उसका ट्राई करेंगे। और गाइस
इधर पर जो है भाई हमारा जो ये बाइक है, और बस इस पर भी मैंने जो है भाई टॉप स्पीड से ही सीख किया है, इसका माइलेज भी मैंने सही नहीं सीख किया है भाई, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो गैस अभी देखते हैं, मौसम तो अभी थोड़ा सही है, मतलब अंधेरा होने को है भाई, अगर टाइम मिला तो आज भाई इस बाइक को निकालेंगे, थोड़ा थक्का लेकर भी चलाएंगे, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं। तो गैस अभी जो है मैं मतलब इसको मतलब निकालूंगा, एक बार थक्का देकर ही निकालना पड़ेगा उसको, एक बार चला कर आऊँगा। अभी गैस अंधेरा होने को भी है, तो देखता होगा इस, अगर 10 मिनट का ही फीडो हो गया तो बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब क्या है अंधेरे में मतलब इतना गोप्रो का जो फिजिबिलिटी है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा होता है अगर आपके साथ दो तीन बाइक और साथ में चला, मतलब अगर चलेगा ना फिर जो है कैमरा का जो क्वालिटी है वो अच्छा आता है, फिर रात में तो भाई आप सबको तो पता है गोप्रो के बारे में। और गाइस गोप्रो की जो और एक प्रॉब्लम है भाई जो मैं बहुत दिन से फेस कर रहा हूँ भाई, ओवर हीट गाइस, अगर मैं दिन में अगर मतलब थोड़ा सा दिन में अगर एक दो बजे अगर मैं कैमरा लेके निकल जाता हूँ ना भाई तो ओवर हीट हो जाता है भाई, 10 मिनट मतलब सॉरी 7 मिनट 8 मिनट के बाद ओवर हीट हो जाता है। तो भी क्या बोल सकते हैं, तो इसको निकालते हैं भाई। तो गाइस 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग, गाइस बहुत दिन से यूज़ भी नहीं किया हूँ मैं भाई, ये हेलमेट भी मतलब बहुत गंदा हो चुका था, अभी इसको साफ किया, अभी निकलते हैं भाई बाइक को एक बार देखते हैं, थक्का लगाकर स्टार्ट होगा तो एक बार आ जाएंगे चलाकर। अभी मतलब क्या है ना गाइस, अगर आपके पास 2 3 4 बाइक हो ना गाइस स्पोर्ट्स वाला, नॉर्मल बाइक अगर हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे कोई स्पोर्ट्स के तरीके का अगर बाइक हो ना गाइस, अगर आप नहीं चलाओगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि घर पे है अच्छे तरीके से है भाई। तो भी गाइस इसको लगाते थक्का लगाते है भाई, इसको गियर एक नंबर में डालना पड़ेगा, पहले तो नीतल कर लेते भाई, मतलब इस बाइक में जो गियर का कौन से गियर पे है बाइक नहीं दिखाता है भाई, इसको ऑन कर देता हूँ तो देखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गाइस हो गया एक बार में ना स्टार्ट, तो अभी अरे भाई हेलमेट पूरा गंदा हो गया है, इसको चालू कर देते हैं, अरे बाबा ये बाबा। तो गाइस इस बाइक का जो मतलब इंजन का काम है वो तो हुआ है, मतलब जो बॉडी का काम है उसका करना बाकी है, मतलब एक दिन क्या हुआ घर के सामने बाइक गिर गया था, तब से टूट गया है भाई ये बाइक, ये बाइक के जो पार्ट्स है ना गाइस वो बहुत मतलब क्या है मतलब बहुत बहुत चीप क्वालिटी का पार्ट्स है ये बाइक में जो यूज़ किया था तभी, मतलब 2016 में 2014 में जो ये बाइक का पार्ट्स यूज़ किया था ना गाइस वो बहुत लो क्वालिटी का पार्ट्स यूज़ किया था, तो एक बार गिर जाता है टूट जाता है। अभी इसको इतना ज़्यादा भगा नहीं सकते, वालेकुम खुद जा कि ठीक करना गाड़ी तो गम बस एखान फांगसी ए एखान फांगसी रिक्से ना एक लान बे अभी जम दे बात दे। तो गाइस एक बार खिसा मार देते हैं, पता नहीं गाइस तो गाइस ये बाइक चलाने का जो मजा है ना गाइस वो अपना जो भीतरी है उस पर भी निर्णय को नहीं मिलता था भाई, ये मतलब पुराना मतलब ओल्ड स्कूल मतलब बाइक है ना ये, तो गाइस ये रोड में अगर मैं बाइक चलाऊंगा गाइस ये जो रोड है ना गाइस ब्लॉक का रोड है, अगर ये रोड में मैं ज़्यादा बाइक चलाता हूँ तो मतलब बाइक बहुत साउंड करता है, मतलब इसका बॉडी का जो इशू है ना गाइस इसी वजह से, तो आपको जो है इसको अगर चलाना होगा तो पूरा जो है जो प्रॉपर रोड है ना गाइस ये मतलब ब्लॉक वाला नहीं जो मतलब क्या बोलते पत्थर का रोड है वहाँ पर चलाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर नहीं जाते उसको घुमा देते भाई, वहाँ पर खींच भी नहीं सकते, ये वाला रोड जो है पूरा ब्लॉक का रोड है, ब्लॉक पे रोड के नहीं करेगा काम ये बाइक, ये पूरा मतलब खतर मतर के साउंड करेगा भाई बाइक।
अगर निकाला हूँ तो एक बार खिचम मार ही देंगे गाइस। अभी टाइम भी इतना नहीं है, अंधार होने को रहे। बाबा ए बाबा, अरे बाबा बहुत दिनों के बाद निकला हूँ बाइक बाबा। तो एक दो करते हैं, एक दो तीन, हाँ टाइम दिया। ओहो हो, अभी भी गाइस पूरा बाइक धार रहा है। ओ आला दे इनी, आला दे इनी, अरे निकल रस्ते इन। तो गाइस मीटर पर मतलब ध्यान मत दो, मतलब इसका जो स्पीड दो मीटर है वो भी मतलब ख़राब हो चुका है अभी तो। इसका गाइस बाइक का जो इंजन है, इंजन है ना गाइस, ये पूरा एकदम टॉप कंडीशन पे है। ओहो अला दे इनी, अला दे इनी, अरे हा निकल रस्ते इनी। तो गाइस मतलब इसका जो स्मूथनेस है ना गाइस, वो मतलब अभी भी मतलब बरकरार है पूरा, क्योंकि अपने ने अपन ने जो है भाई नया नया इंजन डाला है इस पर, इसी वजह से जो है स्मूथनेस थोड़ा और बढ़ चुका है बाइक का। अभी मतलब जो इशू है ना गाइस थोड़ा बहुत, इसको अगर सही कर दूंगा ना गाइस बाइक एकदम ओके हो जाएगा। तो गाइस मेरा एक बहुत दिन से एक बाइक लेने का प्लान भी चल रहा था, मतलब एक ड्रीम है एक बाइक लेने का। मतलब एक बाइक लेने का बाद भाई मैंने बहुत दिन मतलब सोच रहा था, क्योंकि अभी तो ये बाइक लेकर फ़ायदा नहीं भाई, क्योंकि अपना जो चैनल है ना गाइस वो तो बहुत डाउन हो चुका है। तो इसी वजह से जो है भाई मैं वो बाइक नहीं ले रहा हूँ। अगर ये चैनल तो मतलब ये जो चैनल है ना गाइस अपना, अरे सही हो जाएगा ना गाइस, रीस अगर अच्छा हो जाएगा ना तो गाइस एक दिन में ही ले आऊँगा भाई बाइक। आप सबको तो पता ही है किस बाइक के बारे में बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं अभी, मतलब प्लान चल रहा है लेकिन मैं जो है अपनी चैलेंज के वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ भाई। वो मतलब बाइक जो है ना बहुत महंगी बाइक है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप मतलब पैसे नहीं आन करोगे ना तो कैसे चलेगा भाई। इसका फ्यूल भी मतलब ज़्यादा है भाई, अभी देखो यहाँ पर क्या है महाका इंडिया, मतलब उस बाइक का जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको फ्यूल भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो है मैं ले रहा हूँ, मतलब क्या है मेरा तो यूट्यूब से तो मेरा पैसा तो नहीं आ रहा है ना अभी, अगर पैसा आ जाता तो कब सा मतलब मैं ले चुका होता बाइक। अभी देखता हूँ अगर और कुछ काम करेंगे भाई, अगर और कुछ काम हो गया तो ले लेंगे भाई, अभी तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन उसका जो मतलब क्या है ना सर्विस कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, वो मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं है वो सब करने का। लेके घर पे रख सकता हूँ भाई बाइक, अभी मैं वो बाइक लेकर घर पे रख सकता हूँ, लेकिन रख के क्या फ़ायदा भाई अगर आप चला ही नहीं पाओगे। हम वैसे लोग नहीं है जो मतलब घर पे गाड़ी रख देता है, अगर हम गाड़ी लिए है तो चलाएँगे माँ का इंडा फुल चलाएँगे उसको। ऐसे नहीं है कि भाई गाड़ी ले लिया घर पर रख दिया, ऐसे नहीं होता है गाइस हमारे यहाँ, हमारे यहाँ होता है अपन नहीं करते ऐसा। अगर बाइक ले आए पूरा फालेंगे पूरा खींचेंगे माँ का इंजन, बाइक का जान निकाल लेंगे। अभी देखो गाइस मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, मैं फूल से यहाँ पर आ गया, अभी देखो पूरा माँ का इंजन हो गया है यहाँ पर, वहाँ पर भी लाइन है, वहाँ पर भी लाइन है। ओ भाई मैंने सो मैं भूल गया था भाई, यहाँ पर बाइक नहीं रोक सकते, यहाँ पर अगर रोक दिया ना गाइस फिर जो है धक्का लगाना पड़ेगा बाइक को स्टार्ट होने में। तो गाइस क्या है पूजा का समय है, इसी वजह से जो है भाई बहुत लोग शॉपिंग करने आया है बाजार पे, तो अपन अंदर तक नहीं जाएंगे नहीं तो पूरा एल लग जाएगा हमारा। तो यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं भाई। तो गाइस आपको एक चीज़ दिख रहा होगा भाई बाइक पे, पूरा जो फ्यूल जो इन तक एक तक जो है ना गाइस फ्यूल का ये वाला
पूरा ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, फ्यूल नहीं है इतना, थोड़ा सा ही फ्यूल है, मतलब इसका केबल ख़राब हो गया ना भाई, इसी वजह से जो है पूरा आउट ऑफ लेवल दिखा रहा है मीटर, इसका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूल मीटर पूरा दिखा रहा है। अभी ऐसे यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे भाई, वहाँ पर तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से सीधे जाएंगे तो फिर जम लग जाएगा। देखो माँ का इंडिया, तो गाइस से वीडियो मतलब पे ही था कि था, और ज़्यादा खींचेंगे नहीं, इतना जाम है माँ का इंडिया, बाइक लेके निकला ना गाइस पूरा मतलब पीठ दर्द हो जाएगा अपना, मतलब क्या है हमारे यहाँ बहुत सारे रोड का काम चल रहा है, इसी वजह से जो है जाम ज़्यादा हो रहा है भाई। तो बाय बाय गाइस।